अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तबस्सुम, हजन किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे काजू, नमकीन मैदे के काजू बनाऊंगी। ज़्यादातर नाश्ते में इस्तेमाल होते हैं, चाय के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो मैं ये नमकीन बनाऊंगी जिसको हम काजू कह रहे हैं, वो काजू वाली नमकीन बना रही हूँ मैं। तो मैंने उसके लिए 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम मैं नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच डालेंगे हम अजवाइन, हाथ से घिस के डालेंगे इसको, अच्छे से इसको मसल कर डालेंगे। मसलने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसी तरह से इसको डालें, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे घी डालेंगे हम, तो घी को हम थोड़ा पिघला के डालेंगे। 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने ये घी लिया है अंदर डालने के लिए, खस्ता बनाने के लिए इसको अंदर डाल रहे हैं हम, जैसे हम मोहन भी कहते हैं, जो खस्तगी है वो बहुत ज़बरदस्त आती है, तो आप घी डालें, ऑयल डालने से वो बात नहीं आती। तो मैंने घी डाला है पिघलाकर। अब ये जैसे मेरी मुट्ठी मैंने बांध कर देखी, ये बंद रही है, इसकी ये पहचान है कि ये इसमें हमने जो घी डाला है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये बहुत अच्छा खस्ता बनेगा, इसकी ये पहचान है। तो ये आपको मैंने मुट्ठी बना के दिखा दिया है, बस इसी तरह से आप भी डालें और इसको चेक कर लें मुट्ठी बना कर। अब ये थोड़ा थोड़ा सा पानी लूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी लेकर, बस हम पानी इतना ही डालेंगे जितनी उसमें ज़रूरत हो, उसी हिसाब से आप पानी डालें, कोई नापातोली की पानी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जिस तरह से आपकी आपको ज़रूरत हो इसी तरह से आप पानी यूज़ करें। थोड़ा सा मेरा पानी गया है इसमें, अच्छे से इसे मसल लेंगे, इसको गूंद लेंगे अच्छे से, आटा मेरे अच्छे से गूंद चुका है ये। अब मैं इसका पेड़ा बना लूँगी बड़ा सा, ये पूरे आटे का मैंने पेड़ा बना लिया है। अब इसको हम बेल लेंगे, इसको अच्छे से बेल लेंगे, ना हमें मोटा रखना है इसको ना पतला, बिल्कुल सही रहना चाहिए, रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है हमें, जैसे हम रोटी बेलते हैं उसके हिसाब से हमें थोड़ा मोटा रखना है इसको। इसी तरह से अच्छे से बेल लेंगे। अब मैंने ये एक ढक्कन लिया है, कोई भी आप बोतल का ढक्कन ले लें, उससे मैं इस तरह से काटूंगी जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इस तरह से काट फटाफट ये आप छोटे बड़े जिस तरह के भी आपसे कटे इस तरह से आप काट लें, बहुत आसानी से कट जाते हैं ये। आप थोड़े बड़े रखना चाहें तो बड़ा ढक्कन ले लें, छोटे रखना चाहते छोटा ढक्कन ले लें। इस तरह से मैं सारे काट लूँगी, कोई देर नहीं लगती, 2 मिनट में बहुत सारे कट जाते हैं। इसी तरह से मैंने सारे काट लिए हैं, ये बहुत आसानी से कट गए, 2 मिनट भी नहीं लगे, ये सारे मैंने इसमें काट लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे, ये मैंने ऑयल रखा है, ज़्यादा गर्म नहीं, मीडियम है ये, ज़्यादा तेज़ नहीं है, बस इतना ही, हम इसको ज़्यादा तेज़ में डालेंगे तो जल जाएंगे, तो हमने मीडियम आग रख कर रखी है इसकी। अब इसमें हम थोड़े थोड़े करके डाल रहे हैं ताकि ये अपने आप बिखर जाए, थोड़े ये बिखर जाएंगे तो फिर इसी में मैं और डाल दूँगी, चाहे कि ये कितने भी चिपके हुए आपको लगेंगे कि ये चिपक गए हैं सारे, लेकिन तेल में डलते ही ये अलग अलग हो जाते हैं। और डाल दिए मैंने इसमें, बाकी के बचे हुए मैं सारे इसमें डाल रही हूँ हल्के हल्के करके, क्योंकि सब एक साथ सिक जाएंगे, ये जहाँ मैं जगह देख रही हूँ उसमें ही डालती जा रही हूँ। इस तरह से मैं सारे डाल दूँगी, और ये चिपकते बिल्कुल भी नहीं है, आप बेफिक्र रहें, अगर ये आपको जुड़ा हुए से भी लगेंगे ना तो आप तेल में डालेंगे वो अलग अलग हो जाएंगे अपने आप ही। इसके ये झाग जो दिख रहे हैं, ये झाग की पहचान है कि अभी ये हुए नहीं है, जब ये सिक जाएंगे तो इसके झाग हल्के हल्के ख़त्म हो जाएंगे। खूब अच्छे से सेक लेंगे इसको, बिल्कुल पिंक कलर के, जलने नहीं चाहिए हमें, थोड़ा चला चला के सेकने ताकि ये जले नहीं, ज़्यादा नहीं चलाना है, मतलब थोड़ी देर बाद अलट पलट के देखना है कि हमारे ये जल तो नहीं रहे। अब ये बिल्कुल मेरे पिंक होने वाले हैं, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम ये पिंक हो चुके हैं, बहुत अच्छे से इसका बहुत अच्छा कलर आ रहा है इसका। हल्का सा हम अलट पलट के फिर थोड़ा सा फिर इसको हम निकाल लेंगे,
देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब ये सब हम निकाल लेंगे इसको। इतने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं, बहुत टेस्टी, एकदम खस्ता। चाय के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन चाय के साथ अगर आप बैठ के खाएं, पता नहीं चलेगा आपने कितने खा लिए। बहुत मज़ेदार लगते हैं ये। किसी वक्त भी आपको भूख लगे, ये थोड़े से निकाल लें, चाय ले लें, काफ़ी है ये। बिना भूख के भी आप इसको खा सकते हैं। एक पेड़े में इतने सारे ये बन के तैयार हुए। देखिए कितने अच्छे ये बन के तैयार हुए हैं। आप देखिए, आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं और लाइक करना भी भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर इससे अच्छी वीडियो लेकर हाजिर होंगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।